Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, I will be teaching you one of the poems from grade 10 English book. That is unit number 3, and the title of the poem is Dreams. The poem Dreams is written by one of the most famous poets, Langston Hughes. So, sabse pehle Langston Hughes ke baare mein padhte hain ki Langston Hughes kaun tha. Langston Hughes was born on February 1, 1902 mein paida hua tha, Missouri mein. Hughes published his first book in 1926. पहली जो book उसने publish की थी वो 1926 में की थी. उसके बाद उसने बहुत से countless work लिखे poetry में, prose में, plays में. इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसने poetry नहीं लिखी बल्कि prose भी लिखी और plays यानी drama भी लिखे. और उसने Chicago Defender एक बहुत famous newspaper था उसके लिए column भी लिखता रहा. और उसकी जो death है वो 22 मई 1967 को हुई थी. किसी भी पोएट्री को पढ़ने से पहले उसके पोएट का पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी पोएट की जो ज़िंदगी है वो उसकी पोएट्री में कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्शन उसकी होती है, कहीं ना कहीं नज़र आती है और आपको वो सारा एरा समझने में आसानी हो जाती है. पोम को शुरू करते हैं. सबसे पहले आपके पास प्री रीडिंग में दो क्वेश्चन हैं. व्हाट आर ड्रीम्स, ड्रीम्स क्या होते हैं. इसकी इस्लामिक इंटरप्रिटेशन अलग से है, दूसरे रिलीजन की इसकी इंटरप्रिटेशन अलग होगी, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन इसकी अलग है. लेकिन यहाँ पे हमने एज अ जनरल बात करनी है कि व्हाट आर ड्रीम्स, कि ड्रीम्स क्या होते हैं, मतलब ख्वाब क्या होते हैं. यहाँ पे आपने ख्वाब एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के लिए यूज करना है कि जब तक हम किसी चीज का ख्वाब नहीं देखते तो हम उसको हासिल नहीं कर सकते. क्योंकि ख्वाब देखना जो है, पहला एक चीज को हासिल करने के लिए उसका ख्वाब देखना बहुत जरूरी है. तो यहाँ हम ख्वाब से मुराद एम लेंगे, एम्बिशन लेंगे, मकसद को लेंगे. व्हाट वुड योर लाइफ बी लाइक, आपकी जिंदगी कैसे होती इफ यू हैड नो ड्रीम्स फॉर योर फ्यूचर, अगर आपकी जिंदगी में अपने फ्यूचर को लेकर कोई ड्रीम ना होता, कोई मकसद ना होता, कोई एम ना होता. इसके बाद शुरू करते हैं. पहला स्टैंजा हमारे पास है, ये बहुत शॉर्ट सी पोम है दो स्टैंजा की. और सबसे पहले स्टैंजा में वो कहता है कि होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स. होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स का मतलब है कि अपने ड्रीम्स के साथ, अपने मकासद के साथ, अपने एम्बिशन के साथ जुड़े रहो, उसके साथ डटे रहो, उसके साथ चिपके रहो. फॉर इफ ड्रीम्स डाई, क्योंकि अगर वो ख्वाब मर जाते हैं, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड, तो जिंदगी एक ऐसे परिंदे की तरह हो जाती है जिसके जो पर हैं वो कटे हुए हों, दैट कैन नॉट फ्लाई, और उसकी वजह से वो उड़ान ना भर सके. यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि इंसान को चाहिए कि अपने जो ख्वाब हैं उनके साथ जुटा रहे, अपने ख्वाबों के साथ चिपका रहे, क्योंकि अगर ख्वाब मर जाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसे परिंदे की तरह हो जाती है जिसके पर नहीं होते और उन परों के कटने की वजह से वो उड़ान नहीं भर सकता, वो हवा में उड़ नहीं सकता. यहाँ पे जो लिटरल डिवाइस हमें नजर आ रही है वो ये है कि लाइफ को एक बर्ड के साथ कंपेयर किया गया और डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो यहाँ भी ये मेटाफर की लिटरल डिवाइस यूज हुई है. दूसरे स्टैंजा में वो कहता है कि होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, ये तकरीबन वही बात करता है कि अपने ड्रीम्स के साथ, अपने ख्वाबों के साथ जुड़े रहें. व्हेन ड्रीम्स गो, क्योंकि जब ख्वाब चले जाते हैं तो लाइफ इज अ बैरन फील्ड, तो जिंदगी एक बंजर जमीन बन जाती है, बैरन फील्ड, फ्रोजन विद स्नो. और वो बैरन फील्ड भी जो है वो बर्फ से ढकी होती है, इसका मतलब है कि वहां पर कोई फसल उगने का कोई भी चांस नहीं है. तो यहाँ पर जो जिंदगी है उसको भी बैरन फील्ड के साथ कंपेयर किया, डायरेक्ट कंपेरिजन, तो यहाँ पर दूसरी लिटरल डिवाइस इस स्टैंजा की भी मेटाफर है. और इसके अलावा एक और लिटरल डिवाइस इन दोनों स्टैंजा में आपको नजर आएगी कि जहाँ पे यहाँ पे आपको इसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नजर नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे इंजॉयमेंट की टेक्निक यूज हुई है. इंजॉयमेंट यहाँ पर भी आपको नजर आएगी दूसरे स्टैंजा में भी. तो ये जो दो लिटरल डिवाइसेस हैं ये बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज हुई हैं, दोनों स्टैंजा में ये यूज हुई हैं. इसके बाद अगर इसकी हम राइमिंग स्कीम को देखें तो राइमिंग स्कीम यहाँ पे ड्रीम्स के साथ हम ए लिख देंगे, डाई जो है वो बी हो जाएगा, बर्ड जो है वो सी हो जाएगा, फ्लाई जो है वो बी हो जाएगा. इस तरह ड्रीम्स यहाँ पर ए हो जाएगा, गो जो है वो अगेन हमारे पास ये हो जाएगा डी, फील्ड जो है वो हमारे पास हो जाएगा ई, और स्नो जो है वो हमारे पास हो जाएगा डी. तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रीम्स बाय लैंगस्टन ह्यूज. बहुत ही खूबसूरत पोम है, छोटी सी पोम है, इसने इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि इंसान को चाहिए कि अपने ड्रीम्स जो हैं वो जरूर देखें, क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी में ड्रीम नहीं होते उसकी जिंदगी ऐसे परिंदे की तरह होती है कि जो परिंदा हवा में नहीं उड़ सकता, या ऐसे जमीन की तरह होती है कि जो बंजर हो और उसको बर्फ से ढका गया हो और उस पर कोई भी फसल उगने का चांस ना हो. और एक और बात मैं आपको कहूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में जो स्नो है वो सिंबल ऑफ डेथ है, मतलब मौत की अलामत है. So this was all about dreams written by Langston Hughes. I hope you have got it. Thank you very much.